एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है और आपको साथ में रीजन दे देना है कि वो ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, इंट्रोडक्शन बताया था इस एक्सरसाइज का, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि ये जो रियल नंबर है ये क्या होता है। अब तक का आपने बहुत सारे नंबर्स को देखा होगा, ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा नंबर सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के नंबर आपने देखे हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद आपने ये देखा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर के बारे में आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगा आपको एक्सरसाइज 1.1 का, सॉरी 1.2 का, उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप देख लेना। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो अब क्या होगा, ये जितने भी सारे नंबर्स आपने देखा है, आपने पढ़ा है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इन सबको मिलाकर आप रियल नंबर बोल सकते हो। यानी कि एक रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आएगा, एक रियल नंबर के अंदर होल नंबर भी आएगा, एक रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएगा। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, कंप्लीट एक नंबर लाइन में आप जितनी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सब चीज रियल नंबर होता है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा। तो बिल्कुल सही है, हमने अभी मैं अभी आपको बताया कि रियल नंबर में सब चीज आ जाता है, तो इरेशनल नंबर जो है वो भी रियल नंबर में आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, आप रीजन दे सकते हो कि रियल नंबर के अंदर में सारे नंबर सिस्टम्स आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको अंडर रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट किया जाता है ये आपको बताया था। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट होते हैं उसको आप अंडर रूट एम, अब अंडर रूट एम के फॉर्म में दिखा सकते हो। ठीक है, अंडर रूट एम क्या है, अब यहां पर आपको ये बताया है कि जो एम है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप देखो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन एक नंबर लाइन में अगर आप देखोगे तो नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर भी होते हैं और साथ में जीरो भी होता है। तो अगर यहां पर ये जो m नेचुरल नंबर नहीं होगा तो आप इसका आंसर ट्रू आता कि अंडर रूट m को आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन में, लेकिन क्योंकि ये बोला है कि m जो है यहां पर नेचुरल नंबर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अंडर रूट m जो है उसको आप नंबर लाइन में हर पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सको, क्योंकि अगर उसको निगेटिव साइड तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जबकि एक नंबर लाइन में पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव साइड भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स है, लेकिन इसका आंसर आप देखो क्या होगा। पहले क्वेश्चन में आपको बोला था कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, जो कि सही है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, मैं आपको बताया था इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के तीन तरीके होते हैं। पहला चीज, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि अंडर रूट टू ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर है, अंडर रूट थ्री परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट फोर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप उसको रूट के बाहर निकालोगे तो टू होता है, तो टू जो है वो एक होल नंबर भी है, एक इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, ऐसा आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि एक ऐसा नंबर जो रूट के अंदर में हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, दूसरा वो नंबर जो पॉइंट में डेसिमल में रिपीटेशन आ रहा हो जिसमें, या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा हो। ठीक है, जैसे 0.01001000001 ऐसा करके अगर कोई पैटर्न चल रहा है तो वो भी एक इरेशनल नंबर है। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो पाई का वैल्यू है 3.14 आगे जो भी आता है वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो अब देखो इरेशनल नंबर में तो हमारे पास सिर्फ तीन चीजें हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या फिर पर्टिकुलर एक पैटर्न में चल रहा हो, या फिर पाई का वैल्यू।
तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होता है। तो रियल नंबर में तो होल नंबर भी आता है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आता है, रियल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर हो नहीं सकता, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर जो है वही बोला मैं, रेशनल नंबर जो है इरेशनल हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ जो इसका आंसर है वो फॉल्स होगा कि हर एक रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।